आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम और आपको भाई लेके जा रहे हैं हरिद्वार से केदारनाथ यात्रा पे। तो चलो मिलते हैं और लेते हैं यात्रा का आनंद हिमालयन ट्रैकर के साथ। तो भाई अभी यहाँ पे चल रहा है स्नान। और तो भाई अभी हम निकल चुके हैं हरिद्वार से नहा के, और भाई अभी हम जा रहे हैं चाय पीने और आगे सफर जारी रहेगा। तो ये नज़ारा देख सकते हो आप, अजय भाई फुल ऑन जोश में है। और दीपक सर दिख नहीं रहे हैं, अभी दिख रहे हैं बस थोड़ा थोड़ा। और यो यो बोल चुका है आधा, क्रॉस कर रहे हैं। आगे आदमी भी हैं, आदमियों का विशेष ध्यान रखें। अब तो भाई एक्साइटमेंट में कहीं आदमी ना क्रॉस कर देते हैं। 14 बिगा देखा भाई, मैं यहीं से गया था आगे, जिससे मतलब उस टाइम भी आया था। सो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं देवप्रयाग में, और यहाँ से जो श्रीनगर है वो 36 है और बद्रीनाथ 227 है। और गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं तलवार में। और भाई यहाँ पे जो हमारे साथ कलोल हुई है कि कहीं पे भी हमारे को ना पेट्रोल पंप खुला नहीं मिला है, और अभी हमने गाड़ी लगा दी है पेट्रोल पंप के ऊपर और यहीं पे वेट करने वाले हैं हम पेट्रोल पंप का, और फिर आगे निकलेंगे। क्योंकि आगे फिर अगर हम जाएंगे तो फिर हमने वापस भी आना है। तो अभी तेल बचा है सिर्फ 2 डंडे, तो भाई 2 डंडे में अभी 80 किलोमीटर जाना है तो भाई नहीं हो पाएगा। तो फिर देखते हैं आगे क्या बनता है, अब वेट करेंगे पेट्रोल पंप का। 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं ये तो भोले बाबा की कृपा है। और अजय भाई की स्माइल देखो भाई, 2 डंडे पे जा रहे थे तो ओनली स्वाइप एंड कैश मिल चलेगा यहाँ पे। तो भाई तो मतलब कार्ड है, तेल कार्ड कोई चक्कर नहीं है। और पेट्रोल पंप पेट्रोल है कितना रुपया यहाँ पे? 98 रुपीज बस। नहीं सर डीजल होगा, वो डीजल है ये आगे वाला पेट्रोल। और वहाँ पे कुछ है नहीं, कितना है डीजल पेट्रोल डीजल की पेट्रोल। ये देख सकते हो जाम लगा पड़ा है, आगे सिंगल रोड है और भाई सारा रास्ता भी ट्रक वाले ने जाम कर दिया और बस वालों ने जाम कर दिया भाई। और क्या चल रहा? हाँ हेलीकॉप्टर। और भाई हमने लगा लिए हैंड ब्रेक, और देखो भाई बस वाला फुल पावर में चल रहा है। सो भाई अभी हम निकल चुके हैं आगे के सफर पे। दीपक भाई और ये वीडियो ठीक है, अमेजिंग सी जो घाटी है ये है केदार वैली। और भाई रोड देखो कितना कंजस्टेड है भाई, और इतनी ट्रैफिक है कि पूछो मत भाई, इतने लोग जा रहे हैं ना। तो आई थिंक आज कम से कम ना 17,000 के करीब करीब लोग ऊपर जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, आधे तो ऊपर भी होंगे, 12-15 हजार तो ऊपर भी होगा वरना जो कल का गया हुआ। सो ये अमेजिंग सा नजारा है। और भाई रात के चले हुए, मैं तो कल 1 बजे का चला हूँ, और कंटिन्यू ड्राइव सीधा सोनप्रयाग। अभी हमने 488 किलोमीटर सफर कर चुके हैं चंडीगढ़ से। और अजय भाई फुल मूड में आ चुके हैं, चश्मा चश्मा लगा के भाई। मूड में नहीं, मुझे गुस्से में हूँ अभी, और कुछ नहीं है। हाँ ये गुस्से में है भाई, सकते हो यार कितनी ट्रैफिक है। अभी तो ज्यादा नहीं है पंकु भाई, यहाँ कम है। चलो अभी तो कम आ रही है ना, कंटिन्यू आ रही है ना, तो पहले भाई कंटिन्यू तो चल रही है, इतनी ट्रैफिक तो है। कंटिन्यू भाई कंटिन्यू, सीरियसली यार गाड़ियां नीचे से आ रही है कम, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ इतना। सही बात है, ऊपर वाले आ रहे हैं नीचे। हाँ और भाई और स्पेस मिल जाएगा हमारे को, 7:30 भाई, हम तो अर्ली मॉर्निंग चले हुए भाई, टाइम है 7:30 हो चुके हैं। और हमारा कोशिश ये है कि हमारी गाड़ी जो एक बार सोमप्रयाग में, हमारी गाड़ी जो एक बार ना सोमप्रयाग में लग जाए ना वहाँ पे, फिर सही हो जाए, फिर हमारा टेंशन खत्म हो जाए। अरे रुक जाओ सर,
नहीं पीछे से बंदा आ रहा ना। कौन? ठीक है निकल की गाड़ियां और क्या। सो भाई ये रोड ओ भाई देख नीचे ओए के वाले यार ओ आपू सट्टे ओए के वाले रे भाई देख सकते हो आप ये काफी पुरानी गाड़ियां जो है डिस्पोज हो गई हैं। गालियां गल गई हैं। हाँ हाँ वैसे रह जाएंगी सड़ जाएंगी ये दलियां दल गई हैं। और भाई अमेजिंग सा छोटा सा वाटरफॉल। और भाई ये देखो धूल का बवंडर बवंडर आ गया। और भाई ये जो ऊपर से ना लताए लमनम होता है अपना यार। गाड़ी अभी यहाँ पहुंची हमने ये क्रॉस कर देना था फिर यहाँ से चढ़ जाना था। सो भाई अभी हम निकल चुके हैं गौरीकुंड से केदारनाथ के ट्रैक पे जो है यहाँ से 16 किलोमीटर। और भाई भीड़ तो काफी लग रही है तो अपने चलते जाएंगे और बम बोले करते जाएंगे। तो दीपक सर कैसा लग रहा है भाई? यह है गौरीकुंड की मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और नज़ारा देख सकते हो आप। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और भाई अभी कहीं देखेंगे खाना खाने का क्या की साइड पड़ जाओ तो कहीं देखेंगे कि खाना खुना खाया जाए। रोहित होटल एंड रेस्टोरेंट में हम कर रहे हैं अपना अभी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा कितने बजे? 12 बजे। तो हमारा तो ब्रेकफास्ट हो रहा है ना भाई, सुबह से खाया नहीं कुछ नहीं। मैं तो ब्रंच चाहिए, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। अरे वो जो भी हो ना। तो भाई यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं राजमा चावल। चौहान बहुत तेजी में खा रहा है और अपने भाई रोहित होटल से हम खा के निकल चुके हैं। आ जा मैं बाहर हूँ वार्म अप कर रहा। अभी गौरीकुंड से हम निकल चुके हैं और भाई भीड़ ऑसम वाली है। और ओ भाई वहाँ पे घोड़े घोड़े ही घोड़े हैं, घोड़ों का अस्तबल है। आप घोड़े भी यहाँ से ले सकते हो और जैसे आंटी जा रहे हैं वैसे भी जा सकते हो। सुबह ये है गेट, यहाँ से इसको बंद कर दिया जाएगा देन एंट्री नहीं होगी। तो भाई जबरदस्ती चल रहे नहीं। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा नजारा और इतना क्राउड है ना भाई, इतना क्राउड है कि पूछो मत। और घोड़े भाई इतने हैं और कि क्या बताएं यार। ये नज़ारा देख सकते हो आप, क्या अमेजिंग नज़ारा है भाई। और जब
वो आपदा आई थी ना भाई, तो उस नदी में पानी का जो बहाव था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये आप देख सकते हो ये हालत हुई थी, जो कट लगे हुए हैं वहाँ तक ये सारा सारा बह गया था। अभी जो नदी की आवाज़ है उसमें से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। सो भाई हमने अभी शॉर्टकट पकड़ लिया है और भाई इसमें हमारी तो बैंड बज चुकी है और जो रास्ता है भाई स्लिपरी है। हरिद्वार जाओगे भाई? हरिद्वार तो भाई ये देख सकते हो आप नज़ारा। तो हमने जो है शॉर्टकट वाली ट्रेन पकड़ी हुई है और जो मौसम है भाई, मौसम ने पूरी तरह करवट बदल ली है और नीचे बह रही है अलकनंदा और ये लगे हैं बुरांस के पेड़ और जो मौसम है भाई वो पूरा के पूरा खुशनुमा हो चुका है। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। बाकी भोलेनाथ की कृपा है कि रात को क्या रहने वाला है, अगर मौसम साफ रहेगा तब तो और भी सही रहेगा। कितना लंबा रास्ता है ये? तो थोड़ा सा ही है पर थोड़ा सा स्लिपरी है, सेफ चलना, बाकी कुछ नहीं है। जबरदस्त नहीं, ऐसा ही है जैसा है। चले जाएंगे दर्शन? हाँ चले जाओगे पर थोड़ा देख के, बाकी कुछ नहीं है, वो तो अपनी हिम्मत है यार। सो भाई अभी तो भाई अभी आप ये क्राउड देख सकते हो, जितने लोग आ रहे हैं उतने ही वापस नीचे जा रहे हैं। अभी जो हम शिव ओम भाई, यहाँ पे ये पहला ग्लेशियर, छोटा सा ग्लेशियर मिला है शिव ओम भाई। देख के आराम से, चप्पल में ज्यादा स्किट होते हैं। जाएगा क्या? सो भाई ये है यहाँ पे जो केदारनाथ ट्रैक पे पहला ग्लेशियर मिला। पहले नीचे भी ग्लेशियर मिलते थे, अगर थोड़ा जल्दी आओ तो। ये पहला ग्लेशियर है और नहीं, आपको नहीं लेके जाते साथ में यार। सो ये नज़ारा देख सकते हो आप, सारे यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं भाई। अभी हम यहाँ से जो केदारनाथ का रास्ता है वो बचता है नियर अबाउट 6 किलोमीटर और यहाँ पे जो नज़ारा है भाई, ऊपर ग्लेशियर है और नीचे भी एक छोटा सा ग्लेशियर है
और भाई जो फॉग है, फॉग पूरे जोर से छाई हुई है, और जो नज़ारा है भाई, जो थकान है वो इन नज़ारों को देख के बिल्कुल ख़त्म हो जाती है भाई। शिवोम शिवोम। चुके हैं थारू कैंप और यहाँ पे भाई जी का ढाबा है, तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे, तो यहाँ पे हम रुके हैं अभी परौंठा खाने, चाय पीने, तो थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी। भाई भी हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई बैठे हैं अपने जो हर भक्तों की सेवा कर रहे हैं। एक ही रियल का जूस दे दो। हाँ नीचे। अभी थोड़ा सा कुछ एनर्जी ली जाए, केसर फ्लेवर है, पता नहीं ओरिजिनल केसर डला है कि नहीं, अमूल वाले जाने। तो भाई केस बिस्किट में 3, 4, 5, 20, 20, 20, 20 और चौहान की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, एनर्जी रिस्टोर कर रहा है भाई ये। और भाई जो मौसम है ना, पूरा मस्त हो रखा है, ऐसा ही चाहिए था। सीधी चढ़ाई चढ़ रहे हैं भाई, और वो चढ़ गया। सो भाई ऊपर खड़े हैं पुलिस वाले, साले जाने नहीं दे रहे। तो भाई सांस फूल गई है, बोला जा नहीं रहा। अभी ऐसा है कि झाड़ियों के बीच से घुसे जा रहे हैं, और बस एक फायदा है कि घोड़े नहीं है, नहीं तो घोड़े ने भाई रग मार रखी थी। और भाई तो भाई यहां से जो केदार धाम है वो मात्र 4 किलोमीटर है, और भाई बस 20 to 30 मिनट का सफ़र है अगर नॉन स्टॉप चले तो, अदरवाइज शाम तक नहीं पूरा होगा। हो भाई तो भाई फिर से मौसम खुल चुका है, और अभी हमने परौंठे खाए और थोड़ा सा और चाय पी, और फिर हम आगे के सफ़र पे निकल चुके हैं। और भाई बंदा केदारनाथ जी के ऊपर बैठा है, वाह माइलस्टोन के ऊपर, इतनी बड़ी सेंस की जगह ऐसे है। इसकी मार के टांग पे 6 किलोमीटर का सफ़र बाकी शेष। यार कल मौसम बहुत खराब है। सो भाई अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जो केदारनाथ के पास जो ग्लेशियर है पीछे, यहाँ से केदारनाथ 3.5 किलोमीटर बचा है। और भाई यहाँ पे जो नज़ारा है ना बहुत अमेजिंग है, और भाई ग्लेशियर वो नीचे से आ रहा है, और भाई वो चला जाता है बिल्कुल टॉप तक भाई। और ये जो ग्लेशियर कम से कम 20 फीट मोटा है,
20 फुट मोटा। और यहाँ पे आके ना भाई, जब मैं इस ग्लेशियर पर खड़ा हूँ तो भाई साहब जो हमारी थकान थी ना इतनी नीचे से जो हम चढ़े भाई, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म। बाकी तो पता नहीं घोड़ों की आवाज़ जो म्यूजिक पीछे बज रहा है वो पता नहीं उससे आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, ये तो नहीं पता। पर भाई एक तो गले की बैंड बहुत ज़्यादा बच चुकी है जो ठंडा पानी पिया ना उससे। और भाई ये हमारे रवि भाई हैं, रवि भाई इस टाइम फुल ऑन इंस्टाग्राम पे लाइव हो रखे हैं। हमारा नेट नहीं चल रहा है भाई, और इनका राजस्थान का नेट सिम यहाँ पे बिल्कुल खुली दौड़ रही है भाई। और भाई जो बादल है ना, जो धुंध है भाई, बहुत अमेजिंग लग रही है। और आगे जाके देखते हैं। अब अभी हम ये ग्लेशियर पहले ऐसे हुआ करता था, तो आप खुद सोच सकते हो ये जब रास्ता खुलता है तो लोगों ने इसको खुद काट के बनाया है। यार अब किस साइड से चलें। और भाई हम आ गए हैं ग्लेशियर के पास, और ये ग्लेशियर है बहुत हार्ड होता है और ये बहुत ख़तरनाक भी होता है। अगर ये क्रैक करके टूट जाए ना तो भाई जितने भी इस लाइन में चल रहे हैं सब गायब। क्या भाभी, क्या भाभी, क्यों भाई घोड़े की एक लाइन बम बोले बम बम बोले। सो भाई अब यहाँ से एक्चुअल व्यू आ रहा है, जो उस टाइम तबाही हुई थी वहां से आगे परली साइड भी आपको दिखेगा। खुद सोचो यार, ये सारे के सारे पहाड़ पत्थर बह गए भाई, कहाँ गए कोई पता ही नहीं। और भाई सांस फूल के ना रेल बन चुकी है, और ये नज़ारा है अब। और आई थिंक हेलीकॉप्टर भी आ रहा है। और भाई सामने कुछ बना था, वहाँ से भी रास्ता था पहले, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। देख सकते हो आप यार ये रास्ते की हालत, डिजास्टर मैन डिजास्टर। ये बोलते हैं कुदरत का, कुदरत जब अपने लेने पे आती है ना भाई तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाती। और जब ये घटना घटी थी ना तब भी यही हुआ था, एक सेकंड में भाई, एक सेकंड में। और टोटली ये 2-5-7 मिनट की गेम थी, उसमें सब कुछ तबाह हो गया था भाई। जो लोग जहाँ फंसे थे भाई वहाँ से गायब। भाई सामने बहुत तेज आवाज़ हो रही है और भाई बारिश लग चुकी है आई थिंक, बहुत तेज यार, बहुत तेज। और भाई लोग तो भाई अभी जो केदारनाथ धाम है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, और अभी हम चली जा रहे हैं और पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि जो अभी टाइम हुआ है 7 बज चुके हैं, क्योंकि हमने एस्टिमेटेड टाइम लगाया भी यही था 7 से 7:30 बजे के बीच में पहुँच जाएंगे। तो हम 7 से 7:30 बजे के बीच पहुंच ही जाएंगे। और भाई अभी जो पहाड़ है ना भाई वो पूरे के पूरे विजिबल होने लग गए हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा खुला है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी, और ऊपर केदारनाथ में भाई कोई भी बारिश नहीं गिरी है। और यहाँ पे बहुत सारे टेंट हैं, कैंप हैं, और नज़ारा है भाई। तो भाई भोले बाबा का जो मंदिर है भाइयों दिख चुका है, और भीड़ भाई इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है भाई, तो देख सकते हो आप मंदिर पर परिसर तक पहुंचना अभी बहुत मुश्किल है, पर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, कोशिश करेंगे।
भोलेनाथ शिव शंभा भाई, ये आरती चल रही है केदार धाम की। हाँ भाई आरती जय भोलेनाथ। पड़ेगा भैया पे चल रही है आरती संध्या आरती। हेलो आगे जा रहा हूँ आगे रुको 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 प्रियंका कुटी हर हर महादेव कर चुके हैं। और भाई ये है केदारनाथ धाम और भाई यहाँ से अब हम जा रहे हैं नीचे बेस कैंप, वहाँ पे सो जाएंगे और दर्शन हमारे को अच्छे हो चुके हैं बढ़िया से। और जल्दी हम जैसे ही आए वैसे ही हम लाइन में लग गए थे और हमारे को जल्दी से दर्शन हो गए। और अभी जो दो लड़के हैं वो भाई पीछे आ रहे हैं, वो अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं भाई। और अभी हम यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे और ये नज़ारा देखो यार कितना प्यारा लग रहा है भाई, रात को लाइटिंग में इतना प्यारा लग रहा है ना भाई पूछो मत यार, अमेजिंग जो भाई लुक है ना यहाँ से अमेजिंग आ रही है, बहुत अमेजिंग। और ये देख सकते हो आप कितने लोग हैं भाई, इतने ज्यादा लोग। और ये सारे लोग ना अभी लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये है बाबा केदारनाथ जी का मंदिर और ये जो इसके पीछे नजारा है भाई, और वो देख सकते हो जो बड़ा पत्थर है ये यहाँ पे आके रुका था और ये वहाँ से सामने देख सकते हो आप जहाँ से वो फ्लैश फ्लड आया था, झील टूटी थी ऊपर से भाई और इस साइड दोनों साइड से पानी आ गया था और भाई बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। ये है वो शिला जो जल प्रलय आया था उस टाइम यहाँ पे मंदिर के पीछे रुक गई थी और भाई इसने पूरे मंदिर को सेव किया था भाई। देख सकते हो आप कितना प्यारा मंदिर और मंदिर को एक खरोच भी तक नहीं आई थी। ये तो भूल भूल आई है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकम स्कंधिम पुष्टिवर्धनम शिवामृतात् ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव ओम शिव ओम शिव शिव ओम।
ये देख सकते हो आप, भोले बाबा के दर्शन के लिए लोग सुबह से लाइन में लगे हैं। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग हिमालयन ट्रैकर। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।